नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि आजकल इतनी ज़्यादा हवा क्यों बनी हुई है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिटनेस के लिए फिट रहना है या बॉडी बिल्डिंग करनी है तो चावल मत खाओ और रोटी मत खाओ, फलके मत खाओ। फलके मैं उसको बोलता हूँ जो गेहूं की रोटी है, जैसे लोग रोटी बोलते हैं, अगर मैं फलके बोलूँ तो समझ जाना मैं गेहूँ की रोटी की बात कर रहा हूँ। मतलब आजकल इतनी हवा क्यों बनी है, फलके मत खाओ, चावल मत खाओ। अच्छा, मसल गेन करनी है? नहीं नहीं भाई, उसके लिए तो आपको 6 महीने या 4 महीने फलके छोड़ने पड़ेंगे। दबा के चावल तो मसल गेन के, तो चावल दबा के खा ले, पर चावल से फैट आ जाएगा और वजन कम करना है, फैट लॉस करना है, है रोटी चावल सब छोड़ना पड़ेगा। किस तरीके की बातें, ये सब बातें फैली कहाँ से हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। बातें आखिर बाजार में आई कहाँ से? देखो, मैंने इसके बारे में एक पुरानी वीडियो में बात कर दी कि फिटनेस की लाइन में इतने झूठ क्यों फैले हुए हैं, तुम वो वीडियो भी जाकर के देखना, मैं कहूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये बातें कहाँ से फैली। देखो, लोगों को क्या है, कुछ खास पता नहीं होता। लोग तो क्या है, जिम चले गए, ट्रेनर ने जो बोला वो कर लिया, जो भी पता चला ट्रेनर ने कहा ये प्रोटीन पाउडर अच्छा है वो खरीद लिया, ट्रेनर ने कहा यहाँ से खरीद लो तो वो कर लिया, लोगों को कुछ पता नहीं होता। बॉडी बिल्डिंग जो है ये आई है बाहर के देशों से, और बाहर के देशों से आई है, मतलब ये एब्स निकालना और बहुत बड़े बड़े डोले बनाना ये सब बाहर के देशों से आया हमारे देश में। ज़्यादा हमारे देश में तो कुश्ती पहलवानी वगैरह चलती थी, उसमें क्या ये एकदम एब्स निकालना और बड़े बड़े डोले निकालना ये सब उसका हिस्सा नहीं है। ये बाहर के देशों से कैसे है? एक तो अभी पिछले कुछ सालों में इंटरनेट के कारण बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं यहाँ बैठा बैठा अफ्रीका में कोई क्या कर रहा है, अमेरिका में कोई क्या कर रहा है देख सकता हूँ इंटरनेट पर। एक तो ये कारण, पहले ऐसे आई होगी ये अंदाज़ा लगा रहे हम, पर लगभग यही होना चाहिए कि भाई यहाँ से जो बॉडी बिल्डर होते थे वो दूसरे देशों में जाते थे सीखने, ट्रेनर बनने, वहाँ से वो सीख करके आते थे और फिर वो यहाँ पे आकर के लोगों को बताते थे। यहाँ पे आके वो जो लोगों को बताते थे, लोगों को कुछ पता नहीं होता था, लोग सुनते थे अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, वो भरोसा कर लेते थे अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, वो मान लेते थे, और वो ट्रेनर वहाँ पे जो सुन करके आए हैं दूसरे देशों में वही वो आकर के यहाँ पे बता देते थे। उन ट्रेनरों को जो वहाँ बताया गया दूसरे देशों में उन्होंने मान लिया अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि बाहर के देशों में क्या है, फलके जो गेहूँ के फलके हम खाते हैं, रोटी हम खाते हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा खाई नहीं जाती, ठीक है। वो लोग ज्यादा खाते हैं अंडे और मांस। उन लोगों ने अपना जो शरीर बनाया वो उन्होंने क्या खाते हुए बनाया, अंडे और मांस। अब उन्हें लोगों की क्या धारणा होती है कि अच्छा मैं ये खा रहा हूं और इससे मेरी बॉडी बन रही है, तो ये खाने से बॉडी बनती है। उन्हें पता नहीं होता कि असली में क्या चीज अंदर जाकर ये क्या कर रही है कि बॉडी बन रही है। उन्हें बस ये लगता है अच्छा ये चीज खाने से बॉडी बनती है, इसके अलावा कुछ और खा लो तो हो सकता है बॉडी नहीं बने, तो बस यही खाता रहता हूं, लोगों को ये लगता है। तो अंग्रेजों के साथ में वही, उनको पता नहीं था कि अंडे और मांस खाने से उनकी बॉडी अगर बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है, या कोई और भी चीज़ है क्या जिससे बढ़ सकती है। उन्हें बस लगा अंडे और मांस खाने से बॉडी बढ़ती है, तो उन्होंने दूसरों को भी यही बोलना चालू कर दिया कि भाई अंडे मांस खाओ, अंडे मांस खाओ, इसी से बॉडी बनती है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फलके खा रहे थे, उन्होंने कह रहे हैं फलके छोड़ दे, फलके मत खा, अंडे मांस खा। उन्हें खुद को नहीं पता था क्या कैसे हो रहा है, उन्हें लगा कि अच्छा ये खाने से हमारी बॉडी बन रही है तो हम उनको भी बोल दें ये खा ले और वो जो खा रहे हैं वो छोड़वा दें। तो उन्होंने हमें बोल दिया कि जो हम कर रहे हैं वही करते जाओ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने फलके खाने छोड़ दिए, बहुत लोगों ने चावल खाने छोड़ दिए, और शाकाहारियों ने मांस खाना, अंडे खाना चालू कर दिया, बिना कुछ जाने समझे कि अंदर क्या चीज जाकर के बॉडी बनने में मदद कर रही है। अगर अंदर मांस जा रहा है तो मांस अंदर हमारे क्या जाकर के कर रहा है कि हमारी मसल बढ़ रही है, या अंदर हमारे दूध जा रहा है तो दूध जाके क्या करेगा कि मसल बढ़ेगी, अंदर जाके रोटी क्या करेगी, कुछ सोचे बिना बस हाँ जो उन्होंने बोला मान लिया। और उन्हें भी कुछ खास पता नहीं था, उन्हें लगा ये खाने से बन गया तो उन्होंने यही बोलते गए। अब देखो ये गलत है, जरूर मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है फलके खाना छोड़ने की, चावल खाना छोड़ने की, और कोई ज़रूरत नहीं है मांस खाने की बॉडी बनाने के लिए या सेहत अच्छी रखने के लिए, ठीक है। और एक ये फिटनेस की जो लाइन है, बॉडी बिल्डिंग की लाइन, तो क्या है कि बॉडी बनाओ, बड़ी बनाओ और सेहतमंद बन जाओ। ये फिटनेस की जो लाइन है जिसमें सिर्फ सेहतमंद रहना है, ये भी क्या बॉडी बिल्डिंग से चलती चलती आ गई। लोगों ने देखा अच्छा अच्छा इसका शरीर दिखने में इतना अच्छा है, ये जो भी खाता है उससे ये फिट रहता है, क्योंकि लोगों के हिसाब से फिट मतलब जो मोटा नहीं है वो फिट है। लोगों को लगा अच्छा ये जो भी खाता है फिट रहता है, चाहे वो अंदर से बीमारी हो, चाहे अंदर से उसका इम्यून सिस्टम खराब ही हो,
तो भी लोगों को लगा अच्छा ये फिट रहता है, तो मतलब ये जो खा रहा है वही हेल्दी है। तो लोगों ने फिटनेस की परिभाषा भी ये रख दी कि अंडे खाओ, मांस खाओ, चावल बंद कर दो, फलके खाने बंद कर दो। लोगों ने अपने हिसाब से वो परिभाषा भी अपने दिमाग में बिठा ली। अब देखो ये चीज गलत कैसे है, हमें फलके छोड़ने की जरूरत नहीं है और मांस अंडे खाने की जरूरत नहीं है, इसके मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं। बहुत लोग हैं जो कि मांस खाते हैं और ये रोटी चावल सब बंद कर देंगे और जिम जाएंगे, कसरत करेंगे, फिर भी उनकी कोई खास मसल नहीं बढ़ती, फिर भी उनकी कोई खास बॉडी नहीं बनती और फिर भी उनकी कोई खास चर्बी कम नहीं होती। ठीक है, तुम कहोगे यार तूने देखे होंगे ऐसे लोग, हमने तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखे, हमने तो जो भी बढ़िया बॉडी वाले देखे हैं वो तो सब मांस खाते हैं। अच्छा ठीक है, और वो सब उन्होंने तो जो भी बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन खेलते हैं उन सब ने रोटी बंद कर रखी होती है। अच्छा ठीक है, दूसरा साइंस का कहना है, साइंस ने माना है कि आपको बॉडी बनाने के लिए मांस खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, गेहूँ छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, चावल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मांस नहीं खाते जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी दूध और दूध की चीज़ें पीते हैं। ठीक है, दुनिया में आजकल ऐसे बहुत लोग हैं, तुमने इंटरनेट पे देखा होगा, जो कि वेगन है, वेगन क्या दूध भी, दूध और दूध की चीज़ें भी नहीं खाते पीते, दूध दही छाछ पनीर लस्सी मट्ठा घी मक्खन ये सब भी नहीं खाते पीते, उसके बावजूद बहुत वेगन है जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी अच्छी शरीर बना लिए, जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ते हैं जिनकी मसल बहुत अच्छी अच्छी है। ठीक है, साइंस भी मान रही है कि हमें मांस खाने की जरूरत नहीं है, फलके छोड़ने की जरूरत नहीं है, और वेगन हमारे सामने पूरे पूरे इसके उदाहरण है। अच्छा तुम कहोगे यार साइंस मान रही है, साइंस मानने से क्या है, असली जिंदगी में जो होता है वो हमें पता है ना। अच्छा ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रूफ मैं तुम्हें ये कहूँगा कि हरियाणा है, हरियाणा मेरे ख्याल से भारत में दूसरे नंबर पे है शाकाहारी में, शाकाहार में मतलब सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान जिसमें सबसे ज़्यादा शाकाहारी करीब 75%, और दूसरे नंबर पे हरियाणा जिसमें राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा शाकाहारी है करीब 70% लोग। हरियाणा से कितने पहलवान निकलते हैं, कितने बॉक्सर निकलते हैं, कितने खिलाड़ी निकलते हैं, एथलीट निकलते हैं, तुमने कहीं ना कहीं तो पता ही होगा, सुना ही होगा, कितने मेडल हरियाणा से आते हैं हमारे भारत के विदेशों में जो भी कंपटीशन होते हैं, हरियाणा से कितने पहलवान निकलते हैं तुम्हें पता ही है, शाकाहारी हैं वो। अच्छा तो फिर कैसे उनमें इतनी ताकत है, कैसे उनकी बॉडी इतनी बढ़िया है, शुद्ध दूध और दूध की चीज़ें खाते पीते हैं और शाकाहारी खाना खाते हैं, यही वो करते आ रहे हैं और देख लो तुम्हारे सामने परिणाम है। मेरे हिसाब से तुम कह सकते हो साइंस कहती है, साइंस हो सकता है बाद में गलत कह दे कि मैं तो गलत कह रही थी, साइंस हो सकता है बाद में बदल दे बात को, तुम कह सकते हो कि जिनके शरीर में मसल है हमें तो सारे लोग नॉनवेज ही खाते हैं मिलते हैं, तुम सब कह सकते हो, पर हरियाणा वाले ने तो बता दिया ना पूरा, 2-4 जने 15-20 जने 500 जने 1000 जने गलत हो सकते होंगे भले ही, पर पूरा का पूरा एक स्टेट ही, पूरा का पूरा राज्य गलत कैसे हो जाएगा भाई। अच्छा ठीक है, चौथा ये विज्ञान ने कहा है कि अगर तुम गेहूं या जौ इनकी चीज़ें खानी बंद कर दो, ग्लूटेन की चीज़ें खानी बंद कर दो, तुम रोटी खानी बंद कर दोगे तो तुम्हारी सेहत ख़राब हो सकती है और तुम्हें वो बीमारी हो सकती है जिससे तुम्हें आगे चल करके वही रोटी पचाने में दिक्कत हो जाए और तुम्हारे बच्चों को भी ये दिक्कत होने लग जाए। ठीक है, तो ये सब बातें ये सिद्ध करती हैं कि जो हमें पहले कहानी बताई गई थी कि मांस खा करके अंडे खा करके ही बॉडी बन सकती है और रोटी खानी और चावल खाने बंद करने पड़ेंगे, गलत है। ठीक है, दोनों बातें गलत थी। ठीक है, इससे हमारा नुकसान कैसे हो गया, इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ, इन बातों को बहुत लोगों ने ग्रहण कर लिया, उन्होंने मान लिया कि अरे यार हमें फलके और चावल छोड़ने पड़ेंगे, हमें तो मांस और अंडे खाने पड़ेंगे और उन्होंने खाना चालू कर दिया। इससे हमारा नुकसान ऐसे हो गया कि यार काफ़ी जो हमारे भारत में सात्विक खाने की, शाकाहारी खाने की जो संस्कृति थी ना वो ख़राब होने लग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था और अब हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इसके आगे कारण बता रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है सात्विक वात्विक क्या होता है यार मेरे को ये सब मत बताओ, मेरे को तो सिर्फ तुम लॉजिकल बातें करो, साइंटिफिक बातें करो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ठीक है। मांस खाते हैं जो ज़्यादा लोग, वो काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि ज़्यादा मांस खाने वाले फिर शराब भी पीने लग जाते हैं।
शराब पीने से लोग बहुत गलत काम भी करते हैं, एक्सीडेंट कर दिया घर पे जाकर के अपने घर में, औरतों पे हाथ उठा लिए, और शराब ज्यादा पीने से क्राइम ज्यादा होने का डर रहता है, लड़ाइयाँ वगैरह ज्यादा होने का, ठीक है। और शराब, मांस और मदिरा दोनों आयुर्वेद के हिसाब से सात्विक आहार नहीं है, दोनों त्याज्य है, त्यागने योग्य है। अच्छा, अब तुम कहोगे यार मांस खा लूं शराब पी लूं क्राइम हो जाए, ये सब कहानियां बहुत बता, तो सुन लो तुम्हारे काम की कहानी के मांस खाने से अंडे और मांस खाने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, होती हैं, तो ये तो तुम्हारे लिए एक लॉजिकल कारण है कि तुम्हें नहीं खाना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई मांस की कहानी, अब फलकों की कहानी। जिन लोगों ने कई कई सालों तक बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के चक्कर में अपनी ये रोटी खानी छोड़ दी, उन्होंने अपनी सेहत पे खराब असर डाला हो सकता है, विज्ञान के हिसाब से भी, और बहुतों ने डाला भी होगा। हमारे पूर्वज यही खाना खाते खाते 100-100 साल जी करके गए हैं, ये एकदम साफ है कि हमारे सेहत के लिए अच्छा है। इस तरीके से इसने हमें नुकसान किया, ले दे करके तुम्हें ये रोटी चावल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मांस अंडे खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मांस अंडे खाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत बीमारी हो सकती है। तुम्हें अगर खुद की चिंता नहीं है ना, तो अपने भाई बहनों, माँ बाप, दोस्तों की, इनकी परिवार वालों की परवाह कर लो। अगर तुम्हें लगता है मेरा तो क्या है, जियेंगे जितने मज़े से जियेंगे फिर मर जाएंगे तो क्या है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे को जैसे खुद के लगता है जो भी लगता है देख लो, पर अपने परिवार वालों की तो चिंता कर लो, उनके लिए मत सोचो, जिनसे तुम प्यार करते हो उनके लिए मत सोचो। अब मैंने इसके बारे में पिछले कई वीडियो से बात कर रहा हूँ, मैं ग्लूटन से जुड़ी हुई चीज़ें इसके बारे में बहुत बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर बहुत गलत बातें फैली गई इनके बारे में। आगे आने वाले वीडियो में मैं के फलके खाने से, रोटी खाने से, खाना छोड़ने से, फलके खाने छोड़ने से तुम्हें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको मैं एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं लगभग पिछले हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग इन गलत भ्रांतियों में पढ़ करके अपना और अपने परिवार का नुकसान कर दें, इसलिए मैंने हर एक वीडियो में थोड़ी डिटेल में बताने की कोशिश करी है, इसलिए मेरे वीडियो भी बड़े हो गए हैं काफ़ी, और कई बार लोग वीडियो का टाइम बड़ा देख करके देखते भी नहीं है, समझते भी नहीं है कि अगर 15 मिनट का वीडियो या 10 मिनट का वीडियो एक देख लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि हमें 15 मिनट की जगह डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे डॉक्टरों के यहाँ पे लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, और फिर महीनों महीनों सालों सालों तक इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। मतलब मैं तो भले के लिए कह रहा हूँ तुम्हारे, तो इसलिए मैं पुराने वीडियोज में बताता है, थोड़े बड़े भी हैं तो देखो यार थोड़ा धीरज रख के, तुम्हारे भले के लिए ये समझ लो 15 मिनट डॉक्टर के यहाँ पे तुम्हारे कितने घंटों या दिनों या फिर महीनों हफ्तों चले जाते हैं, तुम्हारे लिए या तुम्हारे किसी परिवार वाले के लिए, तो उससे तुम बच रहे हो ये समझ लो। तो ये 15 मिनट तो ऐसे में 10 बार भी ले दोगे ना तो भी तुमने सस्ते में ही छुटकारा मिल गया तुम्हें, तुम्हें कम टाइम में तुम फ्री हो गई समझ लो, ठीक है। तो मैं आगे वाले वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा, पहले भी डिटेल में बताता हूँ सारे वीडियोस, मैं तो ये कहूँगा ढंग से देखो, पुराने वाले जो भी हैं वो नहीं देखे हैं, अगर ये मेरी जो ग्लूटन और वीट वाली सीरीज है, मतलब गेहूं और ये गेहूं से जुड़ी हुई, ग्लूटन से जुड़ी हुई जो भी मैंने वीडियोस बनाए, अगर ये पूरे नहीं देखे तो देखो, मैं फिर से कहूँगा, और आगे आने वाले भी देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, नमस्कार।